सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देखने इस उद्देश्य से आए हैं कि यहां आपको किसी महान और सफल हो चुके व्यक्तियों की सफलता की कहानियां सुनने को मिलेगा तो शायद आपको कुछ निराशा होगी, क्योंकि यहां मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति की कहानी बनाने के तरीके या रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे आप सबसे ज़्यादा और सबसे करीब से जानते हैं, जिसे आप सफल इंसान बनते देखना चाहते हैं, और वह कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। जी हाँ, यह आपकी सफलता की कहानी है। आप खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको अपनी खुद की सफलता की कहानी स्वयं ही बनानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी सक्सेस स्टोरी इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं लिख सकता, क्योंकि इसे केवल और केवल आप ही लिख सकते हैं। तो आइए, देर किस बात की है, आपको कुछ ऐसे तरीके या सीक्रेट बताता हूँ जिससे आप खुद की सफलता की कहानी लिख सकते हैं। तो सफलता के पहला रहस्य को जानते हैं। आपने सिकंदर महान का नाम तो ज़रूर सुना होगा। उसने पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य बनाया हुआ था। अपने देश से बहुत दूर के देशों को वह जीतता जा रहा था। वह अपने इस लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। उसे जब भी किसी साम्राज्य को जीतना होता था तो सबसे पहले वह अपनी विशाल सेना सहित उस देश के निकट पहुंच जाता था। इसके बाद वह अपनी सैनिक से उन जहाज़ों और गाड़ियों को नष्ट करवा देता था जिनकी सहायता से वह वहां तक पहुंचता था। इसके बाद अपनी सेना के साथ वह उस देश से युद्ध लड़ता और जीत जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्यों जीत जाता था? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जी हाँ, इसके जीतने का रहस्य उसके जहाज़ों और गाड़ियों का नष्ट हो जाना था, जिन्हें उसने अपने ही सैनिकों से नष्ट करवाया था। वह अपने वापस जाने के सभी साधनों को नष्ट करवा देता था। अब उसके और उसके सैनिकों के पास दो ही ऑप्शन बचते थे, या तो सामने खड़ी दुश्मन को हरा दे या लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाए। पीछे हटने और वापस चले जाने का ऑप्शन उनके पास होता ही नहीं था। अब या तो जीतो या मरो। दोस्तों, इसी तरह जब तक हमारे पास जीवन में बहुत से विकल्प रहते हैं तब तक हम किसी एक को नहीं पकड़ पाते और हमारी समस्त ऊर्जा बिखरी हुई रहती है। लेकिन यदि हमारे पास केवल और केवल एक विकल्प या एक रास्ता टारगेट रहे तो हम अपनी पूरी ऊर्जा को उस पर लगा पाएंगे। और यह सभी जानते हैं कि जब कोई इंसान अपनी समस्त ऊर्जा किसी एक लक्ष्य पर लगाता है तो लक्ष्य उस ऊर्जा से चमक उठता है और साफ नज़र आने लगता है। इस स्थिति में जीत को खुद चलकर आना ही पड़ता है, और इस तरह वह व्यक्ति अपनी खुद की सफलता की कहानी लिख देता है। ध्यान रखिए, जब तक बहुत से विकल्प हमारे सामने रहते हैं तो संकट आने पर या काम का मन ना होने के कारण आप उस विकल्प की ओर चले जाते हैं जो आपको सबसे सरल लगता है। अब मैं आपको एक दूसरा सफलता पाने का रहस्य बताता हूँ। दोस्तों, यदि आप भी अपनी सफलता की कहानी खुद लिखना चाहते हो तो मेरे साथ आगे बढ़ते और सुनते रहिए। किसी देश का एक राजकुमार जिसका नाम देवबीर था, उसे तलवार चलाने से बहुत डर लगता था। अपने पिता अर्थात राजा के दबाव में आकर उसने थोड़ी बहुत तलवार चलानी सीख ली थी, लेकिन राजा के बहुत कहने पर भी वह किसी युद्ध में लड़ने नहीं जाता था, क्योंकि उसे तलवार उठाने से डर लगता था। काफ़ी समय ऐसे ही चलता रहा। एक बार राजा का सामना बहुत बड़ी सेना से हो गया।
परिणाम यह हुआ कि उस लड़ाई में राजा के सभी सहयोगी मारे गए और सेना आदि का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस समय महल में केवल देववीर ही बच गया था। राजा ने उसे तलवार चलाने के लिए बुलाया, लेकिन देववीर तलवार के हाथ लगाने से ही डर रहा था। लड़ाई उसके बस की बात कहाँ थी। तभी राजा ने उसकी कमर में तलवार बांधकर जबरदस्ती मैदान में भेज दिया। मैदान में जाते ही उसने देखा कि सामने दुश्मन की सेना खड़ी थी और उसकी ओर बढ़ी चली जा रही थी। उसने पीछे की ओर भागना चाहा, लेकिन उसने देखा कि दुश्मन की सेना पीछे भी चली गई है और उसने राजा को बंदी बना लिया है। राजा को बंदी बनाते देखकर महल के द्वारपालों ने सभी दरवाजे बंद कर दिए ताकि दुश्मन की सेना महल के अंदर ना जा सके। अब देववीर करे भी तो क्या करे। बताओ दोस्तों, अब देववीर ने क्या किया होगा। अब उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो तलवार उठाए या मारा जाए। ऐसी संकट की स्थिति में उसका डर निकल कर बाहर हो गया और उसने तलवार उठाने का विकल्प चुना। उसने तलवार उठाई और आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन पर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी शेर के सामान अपने शिकार पर झपट रहा हो। लड़ते समय उसने अपने पिता द्वारा जबरदस्ती सिखाई हुई तलवार विद्या पर गर्व हुआ और आखिर में अपने बचे हुए सैनिकों और अपने डर के भाग जाने से उसके अंदर जो योद्धा उभर आया था उसी की जीत हुई और देववीर ने खुद की सफलता की कहानी लिखी। दोस्तों, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। बहुत से अच्छे और ज़रूरी काम हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। इसका कारण हमारा डर होता है। हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, या हमें डर होता है कि यदि यह काम नहीं कर पाया तो लोग हंसेंगे। दोस्तों, हमें अपने डर को जीतना होगा, वरना जीवन में एक ऐसा संकट आएगा जब वह काम हो सकता है आपको मजबूरी में करना पड़ेगा या उन नकारात्मक परिणाम को देखना पड़े जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसके अतिरिक्त जब तक हमारे पास काम से बचने के रास्ते होते हैं तब तक हम कोई भी काम कर ही नहीं पाते हैं। अरे दोस्तों, उन सभी रास्तों को छोड़ो जो ज़रूरी नहीं है और वह रास्ता चुनो। सुनो, वह सभी चीज़ें और विकल्प त्याग दो जो आपको आपकी मंजिल की ओर जाने से रोकती हैं। जाना होता है अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन डर कर भाग जाते हो किसी दूसरे विकल्प की तरफ जो आपको ज़्यादा आसान लगता है। देववीर भी पीछे भागा था क्योंकि वह विकल्प भी उसके पास था। वो तो दुश्मन की सेना भी पीछे आ गई, वरना देववीर उस दिन भी हार जाता और भगोड़ा कहलाता। इसलिए दोस्तों, ऐसे विकल्प छोड़ दो जो आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। आइए दोस्तों, अब तीसरे और आखिरी सफलता के रहस्य की बात करते हैं, जिसके बिना खुद की सफलता की कहानी लिखना बहुत ही कठिन है। राकेश और मुकेश दोनों IAS के तैयारी कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो राकेश IAS बन गया, लेकिन मुकेश असफल हो गया। मुकेश से असफल होने का कारण पूछा गया तो उसने बताया, मुझे रोज बहुत समय तक पढ़ने का और सुबह जल्दी जाकर खुद को पढ़ाई में डुबो देने का मन नहीं करता, इसलिए मैं असफल हुआ। अब जब राकेश से उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने बताया, वह रोज 8 से 10 घंटे पढ़ता था और सुबह जल्दी जाकर
तैयारी करता था, इसलिए वह सफल हो गया। तभी एक अजीब प्रश्न राकेश से पूछा गया, क्या उसका मन इतनी देर तक रोज पढ़ने और सुबह जल्दी उठने का करता था? तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। राकेश बोला, नहीं, मेरा मन भी इतनी देर तक पढ़ने और इतनी जल्दी उठकर तैयारी करने का नहीं करता था। फिर राकेश से पूछा गया, तो आप ऐसा कर कैसे पाए? राकेश बोला, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर मैं ऐसा कर पाया। दोस्तों, यदि आप अपनी सफलता की कहानी खुद लिखना चाहते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बना लीजिए कि उसके सामने बड़े से बड़े लक्ष्य छोटे लगने लगे। दोस्तों, अब यह आपके ऊपर है कि आप क्या विकल्प चुनते हैं। या तो वीडियो में बताए गए सफलता के तीनों रहस्यों या तरीकों के अपनाकर लक्ष्य हासिल कर अपनी सफलता की कहानी लिखने का, या जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने का। सुनो, आपके लिए एक सलाह है, सरल विकल्प मत चुनना।